दोस्तों, आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आप लोग इसे पसंद करेंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। और आशा मैं यही करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जिस चीज़ की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपके बालों के लिए वरदान है, मल्टी विटामिन है, आशीर्वाद है, आप जो कहें सो है। क्योंकि इस एक चीज़ से आपके बाल झड़ना बंद होंगे, पतले बाल मोटे होंगे, सर की स्किन से इन्फेक्शन ख़त्म होगा, रूसी ख़त्म होगी, खुजली, खुश्की, एक्ने जो निकलते हैं वो ख़त्म होंगे, बाल आपके काले होने लगेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, शाइनी, मतलब कहने का मेरा मतलब है बालों की हर समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण नुस्खा। और ये है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, अभी आपको ये पहचान में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था मेरा, क्योंकि अभी जो है वो आम का सीज़न चल रहा है, अभी आम मुझे लगता है कुछ दिन में चला जाएगा। तो अभी आप क्या कीजिए, आप आम ले आएँ, उसे खाइए, उसके बाद जो उसकी गुठली बचती है उस गुठली को अच्छे से खा के उसे एक दिन के लिए धूप में रख दें। उसको धूप में रखने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो एक मीठापन होता है, चिपचिपापन या लसलसापन, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उस गुठली को किसी हथौड़े से, किसी भारी चीज़ से आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो वो फटने लगेगी। और प्लीज़ अगर आप छोटे हैं तो आप ये काम ना कीजिए, किसी बड़े की मदद लें, फिर उस गुठली को आप फाड़ के उसके अंदर से आप ये निकाल लीजिए। इसको हम कह सकते हैं आम की गरी, आम की गुठली की गिरी, या इसको मैंगो कर्नल्स कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको दोस्तों मैंने गुठली से निकालने के बाद इसको एक दो दिन मैंने धूप में रख दिया, ये अच्छे सूख गया। इसके बाद ये देखिए, मैंने इसका बहुत फाइन पाउडर बना लिया है, ये देखिए एकदम फाइन पाउडर है। अब इस पाउडर को मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बालों पे तो इस्तेमाल है इसका, और भी बहुत यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक तांबे के लोटे में, घर में होता ही हूँ अमूमन पूजा करने के लिए, उसमें 2-3 चम्मच दही डाला, फिर हाफ़ टेबल स्पून इसको डाला, हाफ़ टेबल स्पून आपका आंवला पाउडर डाला और फेंट के पूरी रात के लिए छोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठा, उसको मैंने अपने फिर से उसको अच्छे से फेंटा, वो थोड़ा सा हरा हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो इन्फ्यूज़ होने लगता है इसमें मिलने लगता है। उसके बाद इसको अपने बालों की जड़ों में लगाया, अपनी दाढ़ी पर भी मैं लगाता हूँ और अपने चेहरे पर भी लगा लेता हूँ। उसके बाद 1 घंटे रहने दीजिए और पानी से धो लेता हूँ बाल। आप चाहे हल्का शैम्पू यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को दही की गंध आती रहती है, पसंद नहीं। बस इतना आप कीजिए, और अगर आप तेल लगा रहे हैं कोई, उसमें मिला के उसको लगा लीजिए। बस आप इतना कीजिए, आपके अगर बालों की समस्याएं सारी की सारी दूर नहीं हो गई तो आप मुझे फेसबुक से अनफॉलो कर देना, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर देना, और जो गालियाँ देनी हो आपका स्वागत है। आप मेरे बाल देख सकते हैं, वैसे मुझे बालों की कोई समस्या नहीं है, और मेरी एज जो है वो 30+ है। और जिन लोगों को ऑयली स्किन है, ये मैं खुद ट्राई करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी ऑयली स्किन है वो लोग इसको चुटकी भर हाथ में लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, 2 बूंद पेस्ट बना हल्का सा पानीदार, उसको चेहरे पे ऐसे ऐसे लगा लीजिए। मैं लगा लेता हूँ, मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं रात को सोते वक्त लगा लेता हूँ, क्योंकि वरना आप अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो आपको पता होगा कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो पूरा यहाँ पे तेल रहता है, इसको लगाने से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब 10% अगर 100% में से आपके प्रॉब्लम 90% ख़त्म हो जाती है, और स्किन भी टाइट होती है, ग्लोइंग होती है, मतलब बहुत बढ़िया है। और इसको लगाने का तरीका, इसको आप
आंवला पाउडर के साथ लगाइए, और दूसरा है त्रिफला पाउडर के साथ लगाइए, और दही में फेंट के लगाइए, रात भर छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया औषधि है। और मैंने एक मिराकल हेयर ऑयल बनाया है, उसका वीडियो मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं लगाता हूँ उसी ऑयल को, मेरे घर में एक मेरी भतीजी छोटी सी 11-12 साल की, उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने सोचा हो सकता है मौसम की वजह से, लेकिन उसे उस तेल को सिर्फ दो दिन लगाया और उसके बाल झड़ना बंद हो गए। और जब मैंने उससे कहा कि इसको लगाओ तुम, तो पहले मेरा मज़ाक उड़ा रही थी कि चाचा आप फालतू की चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब से उसने उस ऑयल को लगाया वो मेरी तारीफ़ कर रही है। और तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया, प्रोडक्ट क्या है, आयुर्वेद का नुस्खा है, लेकिन इसके बारे में आपको यूट्यूब पर जल्दी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है। और YouTube पे मैं बस इतना चाहता हूँ लोग जो भी जानकारी दें सच्ची जानकारी दें अपने ऊपर इस्तेमाल करके, ये ना कहें कि रात को कॉफ़ी पाउडर विटामिन ई शैम्पू पता नहीं क्या क्या मिलाओ आपके बाल काले हो जाएंगे, ये फर्जी जानकारियाँ, ना मुझे पसंद है ना मैं देता हूँ, बट ये जेन्युइन जानकारी है, आप सबके बहुत काम आएगी। और जल्दी मैं हेयर ऑयल का वीडियो लाने वाला हूँ, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप 30 से नीचे हैं तो बालों की सफ़ेदी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, और 30 प्लस हैं तो हो सकता है बाल सफ़ेद होंगी लेकिन उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और बालों की बाकी हर समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बस वीडियो पसंद आए तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने रिलेटिव के साथ, क्योंकि रिश्तेदारों का आप शेयर करेंगे उससे उनका भला हो जाएगा, नहीं शेयर करेंगे तो आप उनको नुस्खा बता दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ आप वीडियो मेरे साथ बने हैं।